Hello friends, welcome. The same topic, narration, part 16. Exclamatory sentences. Exclamatory sentences. आज हम इस तरह के sentences की बात करेंगे जिनको हम exclamatory sentences बोलते हैं. थोड़ा सा बात कर लें exclamatory sentences क्या है. अगर मैं इसके root word पे जाऊँ तो वैसे सीखने की बात है, सीख लेते हैं. एक्सक्लेम, एक्सक्लेम इस ये वर्ब है. इसकी अगर पास्ट फॉर्म की बात करें तो ईडी लगता चला जाएगा. समझ लीजिए यहाँ पर एक्सक्लेम, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड. ये एक्सक्लेम का मीनिंग क्या है? एक्सक्लेम होता है कुछ भी हम सडनली और लाउडली कुछ भी अगर अचानक और बहुत जोर से, खासकर किसी स्ट्रांग फीलिंग के कारण या स्ट्रांग कोई पेन है, कोई दर्द है, तकलीफ है, या कोई स्ट्रांग इमोशन है, स्ट्रांग फीलिंग है, उसकी वजह से जब हम चिल्ला करके बोलते हैं अचानक, सडनली जब हम वर्ड बोलते हैं या कुछ कहते हैं तो उसको हम एक्सक्लेम करना कहते हैं. एक्सक्लेम, राइट? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एक्सक्लेम. अब एक्सक्लेम से हमारा ये वर्ड बन गया यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी. मैं दोबारा इसलिए भी लिख रहा हूँ कि यहाँ पर आप स्पेलिंग में चेंज देख सकते हैं. इसमें यहाँ पर इसमें जब ये वर्ब है तो आई रहता है, जब ये वर्ब नहीं है, राइट, जब ये यहाँ पर एडजेक्टिव बन गया हमारा, राइट. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ये नाउन है, नाउन के पहले वाला वर्ड इसको क्वालिफाई कर रहा है. एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव बन गया यहाँ पर, और यहाँ पर जो स्पेलिंग थी उसमें चेंज आ गया है. एक्सक्लेमेटरी, राइट. एक्सक्लेम, एक्स ई से साउंड शुरू हो रही है इसकी, देख लीजिए, सीख लीजिए थोड़ा सा. एक्सक्लेम, 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 एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव बन गया. इसी तरह का इसी से जो वर्ड बन रहा है को, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. ये नाउन रहेगा हमारे यहाँ पर, ये नाउन बन गया, और नाउन बनते ही इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा चेंज हो गया. यहाँ पर हम इक इक बोल रहे थे, एक्सक्लेम, एक्सक्लेमेटरी, और यहाँ पर इक के बजाय एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन. अगेन वही स्पेलिंग का फिर डिफरेंस देख लीजिए, यहाँ पर आई रहता है, इसमें ना इसमें आई रहता है, ना इसमें आई रहता है. यहाँ पर इक ई हमारे साउंड शुरू हो रही है, यहाँ पर ए, एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन ये वर्ब है हमारे, और ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है और ये नाउन का काम कर रहा है. मैंने इसका मीनिंग आपको बता दिया है. एक्सक्लेम का मीनिंग क्या है? जब हम किसी प्रकार के सडन, कोई सरप्राइज, कोई या लाउडली, जब हम इसको सरप्राइज को भी लाउडली वर्ड्स में कहते हैं, बहुत जोर से ऊंचे से, आउट ऑफ सम फीलिंग, स्ट्रांग फीलिंग्स, कोई स्ट्रांग फीलिंग हो, कोई स्ट्रांग इमोशंस हो, फीलिंग्स, इमोशंस, राइट, इस तरह की कोई बात हो, या कोई पेन हो, या कोई पेन हो, कोई थोड़ा सा दर्द में हम किसी बात को जो कहते हैं, तो ये वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं. दीज वर्ड्स आर यूज. अब क्वेश्चन आता है कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम, इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? देखिए सेंटेंस के पीछे जब ये पंक्चुएशन जो मार्क है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसको मैं राउंड कर रहा हूँ यहाँ पर, दोनों में देख लीजिए, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. अगर मैं इसको अलग से इसको यहाँ पर बनाता हूँ, तो इस तरह का जो साइन है, हमने पंक्चुएशन मार्क्स जब किए थे तो उसमें किया था, तो इसको हम कहते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. जब भी सेंटेंस के पीछे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम क्या कहेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. क्लियर? जब भी सेंटेंस के पीछे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम नाम देते हैं कि दे आर एक्सक्लेमेटरी या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी हैविंग साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आफ्टर देम. ओके, क्लियर? क्लियर. तो ये जितने भी सेंटेंसेस, जिसमें क्या देखेंगे हम, सडनली कोई सरप्राइज है, लाउडली इसको बोलेंगे, या कोई स्ट्रांग फीलिंग, या कोई इमोशन, या कोई पेन इसमें नजर आएगा, तो ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है, ये इसके बारे में क्लैरिटी है. तो अब हम इनको नरेशन में कैसे चेंज करें? नरेशन,
इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे ले जाएंगे, देख लीजिए। तो जैसे कि हमने देखा कि बताया कि इसके पीछे क्या है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा रिपोर्टिंग जो वर्ब है इसमें वर्ड डालेंगे। जैसे फर्स्ट सेंटेंस को हम चेंज करते हैं, यहाँ पर क्या बनाएंगे, सी एक्सक्लेम्स, सी एक्सक्लेम्स सेड। इस सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, लाउड फीलिंग है, सरप्राइज है, इमोशंस है, उसके लिए वर्ड हमने ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसलिए सेड को किस में बदल दिया, एक्सक्लेम्ड में बदल दिया। समझ लीजिए यहाँ पर इसमें रिपोर्टिंग जो वर्ब का सेड है इसको हमने एक्सक्लेम्ड में बदल दिया, क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। सी एक्सक्लेम, सी सेड का हमने क्या बना दिया, सी एक्सक्लेम्ड। अब जो हमारे पास कोमाज हैं इनकी जगह हम कंजंक्शन लगाते हैं, पुराने वाला जो कंजंक्शन जो हम बहुत पहले जनरल सेंटेंसेस में यूज करते रहे हैं, यहाँ पर कंजंक्शन हमारा क्या रहेगा, दैट। कोमाज की जगह क्या रहेगा, दैट। क्लियर यहाँ तक, सी की जगह सी, सेड की जगह क्या आ गया, एक्सक्लेम, और कोमाज की जगह क्या ले लिया हमने, दैट। ना अब इस ये जो सेंटेंस था इसमें डमी जो था सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट हिडन है, वो अपने पास से अभी इसको लगा के कंप्लीट करते हैं। अब ये पास्ट टेंस है तो पास्ट में जाएगा सेंटेंस, इट यहाँ पर, इट वॉज ए, नोट कर लीजिए, सी एक्सक्लेम्ड दैट। यहां तक क्लियर, सेड को एक्सक्लेम में बदल दिया, कोमाज की जगह दैट कंजंक्शन लग गया। अब हमें चाहिए यहाँ पर सब्जेक्ट चाहिए, डमी सब्जेक्ट चाहिए, इट, इस तरह के सेंटेंसेस में हम लगाते हैं ये। शी तो शुरू कर दो, सी एक्सक्लेम्ड दैट इट, दैट किसकी जगह आ गया, कॉमर्स की जगह, इट हमने अपने पास से डमी सब्जेक्ट लगाया यहाँ पर, इट वॉज पास्ट टेंस है हमारा, पास्ट टेंस है, पास्ट में जाएगा ए, और ग्रेट, ग्रेट शब्द हमने अपने पास से लगा क्योंकि सरप्राइज स्ट्रॉन्ग फीलिंग हम यहाँ पर शो करना चाह रहे हैं, तो ग्रेट शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल हम जनरली करते हैं, इट वॉज ए ग्रेट पिटी, स्टॉप, कॉमा हट गया, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हट गया, यहाँ पर कोई साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं है, सिंपल सेंटेंस हमने इसका बना दिया, सी एक्सक्लेम, इसमें सरप्राइज और स्ट्रॉन्ग फीलिंग, यहाँ पर ये वर्ड बता रहा है कि इसमें कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, सरप्राइज है, सडनली लाउडली कुछ कहा गया है, इसलिए सी एक्सक्लेम दैट इट वॉज ए ग्रेट पिटी। सेकेंड सेंटेंस, व्हाट ए टेरिबल स्टॉर्म इट इज, सी सेड, इसको हम कैसे चेंज करेंगे, देखिए इसको भी बनाते हैं, उसी तरह से रिपोर्टिंग वर्ब के क्लास को पहले लाएंगे, सी सेड, सॉरी सेड, सेड अगेन क्योंकि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है सेंटेंस में, सी एक्सक्लेम्ड, राइट, सेड को किस में कन्वर्ट कर दिया, एक्सक्लेम्ड में, कॉमास की जगह क्या ले आएंगे, दैट, कंजंक्शन क्या लगाएंगे, दैट, डमी सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, इट, पास्ट टेंस में जाएंगे, इट वॉज ए टेरिबल, इट वॉज ए टेरिबल स्टॉर्म, राइट। यहां पर आप चाहें तो वेरी इस पद को थोड़ा सा एम्फेसाइज करने के लिए, जैसे पहले में हमने लगाया था, राइट, इट वॉज ए वेरी टेरिबल स्टॉर्म, क्योंकि सरप्राइज हमने शो करना है, सरप्राइज शो करने के लिए एक्सक्लेम वर्ड भी इस्तेमाल किया है और वेरी शब्द भी यहाँ पर डाल सकते हैं आप, शी एक्सक्लेम दैट इट वॉज ए वेरी टेरिबल स्टॉर्म, राइट। वन मोर सेंटेंस हम इसी तरह ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, एक सेंटेंस है हमारे पास इसी तरह का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, सपोज सेंटेंस है, सी सेड
हाउ शी ले ऑफ हिम, हाउ शी ले ऑफ हिम, राइट। तो सेट उसी तरह से किस में चेंज करेंगे सेट को, क्योंकि एक्सक्लेमेशन है इसमें, शी एक्सक्लेम्ड, स्पेलिंग का ध्यान दें यहाँ पर, आई रहेगा इसमें, वर्ब है मैंने आपको बताया था, शी एक्सक्लेम्ड और दैट, दैट कंजंक्शन रहेगा कॉमास की जगह, दैट अपने पास से डमी सब्जेक्ट लगाएंगे, इट वॉज पास्ट टेंस में जाएगा, ए वेरी एम्फेसाइज करने के लिए, स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करने के लिए, बाकी यूं कहेंगे इट वॉज वेरी सिली ऑफ हिम, हिम थर्ड पर्सन है, नो चेंज, सो इट इज लाइक दिस, शी एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज ए वेरी सिली ऑफ हिम। सो आई थिंक दिस इज समथिंग सफिशेंट अबाउट सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस। एक और टाइप लेते हैं, एक्सक्लेमेशन भी है जिसमें और विश भी है, इस तरह के एक दो सेंटेंसेज और देखते हैं जिसमें विश भी है, कोई डिजायर भी है इस तरह का, जैसे सपोज द शॉप ओनर सेड एलास एलास आई एम अंडन, आई एम अंडन, राइट। देख लीजिए इस तरह के सेंटेंसेस में, इसमें एक्सक्लेमेशन भी है और इसके अंदर विश भी है, कास या कोई इस तरह के डिजायर भी है, तो हम इसमें एलास से, एलास आपको पता होना चाहिए, एलास वर्ड जो है जब कोई दुख होता है सर, कोई दुख पेन होता है, सडन पेन होता है, लाउडली जब कहा जाए तो ऐसा चिल्ला करके दुख में रोता हुआ या चिल्ला करके जो आदमी कहता है तो एलास शब्द इस्तेमाल करते हैं, जब कोई नुकसान हो जाए, कोई तकलीफ हो जाए, कोई दर्द हो, तो ये पेन को जाहिर करने वाला वर्ड है, एलास साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है इसके पीछे। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे कहेंगे, जैसे देखिए द शॉप ऑनर exclaimed, इसमें दुख with sorrow, नोट कर लीजिए यहां पर, exclaimed with sorrow, राइट। सिर्फ एक्सक्लेम से काम नहीं चला, हमने एक और शब्द किया यहां पर एलास के लिए, एलास जब भी हो तो विद सॉरो हम इसमें यूज करेंगे, बड़े दुख के साथ वो चिल्लाया, दुख के साथ सडन उसने क्राई निकाले एक तरह से, लाउडली उसने बोला, the shop owner सेड को किस में बदल दिया, एक्सक्लेम्ड और एलास के लिए हमने स्ट्रेस देने के लिए यहाँ पर क्या लगा, विद सॉरो, और सेम बाकी पैटर्न वही रहेगा, दैट कन्वेंशन लगेगा, इट अपने पास से हम डमी सब्जेक्ट लगाएंगे, दैट सॉरी इट यहाँ पर नहीं है, इसके लिए हम इसमें सब्जेक्ट दिया हुआ था, दैट आई, आई जो दिया हुआ था, आई को किस में, आई फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग क्लास, राइट। दैट आई किस में चेंज हो जाएगा, ही एंड किस में चेंज हो जाएगा, वॉज एंड अंडन, कि वो बर्बाद हो गया था, वो चिल्लाया बड़े दुख के साथ कि वो बर्बाद हो गया है, राइट। ही आई को देख लीजिए, ही में चेंज कर दिया, एंड को पास्ट टेंस की वजह से वॉज में चला गया, वॉज अंडन। एलास को किस में चेंज कर दिया, विद सॉरो, एलास जो डिपिक्ट करता है सॉरो के साथ, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही वॉज अंडन। एक और सेंटेंस ऐसे और लेते हैं इसी तरह का, सपोज She said, oh, she said, oh, oh, उसको पीछे बात, oh, that I was young again. Right. Sign of exclamation, commas one. She said, Oh that I were young again. Right? इसको देखिए, इसमें विश की हमने जो बात की थी, यहाँ पर उसने इच्छा जाहिर की कि काश के मैं दोबारा जवान हो जाऊँ। सी eagerly
विस्ट, इस तरह का वर्ड हम यहाँ पर सी ईगरली विस्ट या स्ट्रांगली विस्ट, ईगरली की जगह स्ट्रांगली भी लिख सकते हैं यहाँ पर, सी स्ट्रांगली विस्ट, स्ट्रांगली कोई भी एडवर्ब यहाँ पर ईगरली स्ट्रांगली राइट, सी ईगरली या स्ट्रांगली विस्ट दैट, दैट हम लगाते रहे कंजंक्शन, विश इसमें जाहिर की गई है, एक्सक्लेमेशन भी है और विश भी है, तो उसके लिए क्या आ गया विस्ट, सेड को किस में कन्वर्ट कर दिया विस्ट में, कॉमास की जगह क्या आ गया दैट, दैट आई, आई किसके अकॉर्डिंग चला जाएगा, रूल है हमारे पास सी दैट सी पास्ट, पास्ट उसी तरह से सी वार यंग आ गया, सी वार यंग आ गया राइट, सो दिस इज समथिंग अबाउट सच सेंटेंसेस विच डिपिक्ट एक्सक्लेमेशन एज वेल एज विस दैट सी वार यंग आ गया राइट। यहाँ पर आप कहेंगे कि वर को वर ही रख दिया, क्योंकि इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं उसमें हमेशा वर ही लगता है, वैसे तो यहाँ सी के साथ वो जाना चाहिए था, आई के साथ भी वो जाना चाहिए था, बट इस तरह के सेंटेंसेस में जहाँ पर विश डिजायर स्ट्रांग डिजायर हो तो हमेशा वर का ही इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे सेंटेंसेस आप देखेंगे कि आई के साथ भी वर है, सी के साथ भी, ही के साथ भी, दे के साथ भी, यू के साथ भी, सभी के साथ वर इस्तेमाल होता है क्योंकि विश डिपिक्ट करता है, अदरवाइज अदरवाइज हम यहाँ पर वॉज या पास्ट टेंस में जाते तो हैड बीन या उसके अकॉर्डिंग लगाते, बट ये इस तरह के सेंटेंसेज में यहाँ पर ये एक स्पेशल नियम है कि हम हमेशा वर ही रखते हैं, इसमें टेंस की कोई चेंज हमने नहीं की है। तो दिस इज समथिंग अबाउट द सेंटेंसेज हैविंग एक्सक्लेमेशन एंड विश। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।